ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भृदा जनाः। समन्वयाचार्य भगवान श्री रामकृष्ण गृही भक्त एवं त्यागी भक्त का समन्वय कर रहे हैं। कल हम देखा था स्वामी जी का वो उपाख्यान उल्लेख करते हुए, ईच इज ग्रेट इन इज ओन प्लेस, गृही एवं त्यागी दोनों ही महान है, लेकिन वे अपने अपने स्थान पर वर्तमान रहें एवं अपना अपना धर्म पालन करें। गृही का जीवन कभी त्यागी का आदर्श नहीं हो सकता है, वैसे ही सन्यासी का जीवन गृही का आदर्श नहीं हो सकता है, जबकि दोनों का जीवन का लक्ष्य है एक, ईश्वर लाभ। ईश्वर लाभ करने के उपरांत दोनों ही एक स्थान में रहेंगे एवं ईश्वर लाभ हेतु साधन भी एक है, वह है त्याग। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बाय रिनाउंसिएशन अलोन द इमॉर्टलिटी इज अटेंड, कोई भी हो, लेकिन कैसे वो त्याग का जीवन अपनाएं, दोनों का मार्ग अलग है। ठाकुर कहते हैं सन्यासी को बाहर भीतर दोनों ओर से त्याग करना चाहिए, जबकि गृहीगण अंतः संन्यास लेके रहेंगे, भीतर में आसक्ति छोड़ के रहेंगे और बाहर का जीवन में संसार का नाना प्रकार कर्तव्य निभाएंगे। अभी इस प्रसंग में हम देखते हैं ठाकुर अनेक कड़वा उक्ति बोल रहे हैं, इज टेलिंग मैनी बिटर ट्रूथ्स। ये संसारियों को हेय करने के लिए नहीं, ठाकुर का लक्ष्य है उनके नरेंद्र आदि जो त्यागी भक्त है, जो देव सेवा में नियोजित है, कूटो बाधा रहे छे, देर यू आर नॉट टू बी ऑफर्ड फॉर द डिवाइन सर्विसेस, उनके जीवन में विशेष सावधानता अवलंबन करना चाहिए। कितने प्रकार से समझा रहे हैं, हम लोग आश्चर्य हो जाते हैं, हाउ मच इज कंसर्न्ड। फॉर इज यंग एस्पायरेंट्स लाइक नरेंद्रनाथ, कौन नरेंद्रनाथ को आचार्य बनना पड़ेगा, नॉरेन शिक्षे दिवे विल बिकम ए टीचर, उनके लिए ठाकुर के सावधानता क्योंकि अवधि नहीं है। पाखी जेमन शावकदेर जन्य डाना दिए तादेर आंकड़े थाकें, एज ए बार्ड प्रोटेक्ट्स इट्स ऑफस्प्रिंग्स अंडर इट्स विंग्स, पंछी अपने डाने के भीतर अपना शावक को रक्षा करते हैं, वैसे इनको रक्षा करने के लिए
ठाकुर इतने सचेतन है, एक तो पहले बताया और ये जो एड्रेसेस दे रहे हैं ये नरेंद्रनाथ के लिए, इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। जो देव सेवा में नियोजित वैसे नरेंद्रनाथ को ठाकुर पहले ही बताया, तू क्या गिरीश घोष का वहाँ जाते हो? कहा हाँ, यदि भी और भी भक्त जाते हैं, यहाँ पर कहा गया है देवेंद्र आदि, और ठाकुर खुद गिरीश घोष का प्रशंसा कर रहे, विश्वास का कोई अवधि नहीं है और अनुराग, लेकिन उनके नरेंद्रनाथ के लिए संदेश स्वतंत्र है, लक्षणीय है। मास्टर मास्टर डिटेल्स लिखा है, ये सब के लिए एक जीवन का एक आदर्श बनता है। कारण संसार में गृह सन्यासी दोनों का ही प्रयोजन है, समाज में त्याग का भावना जीवित रखने के लिए, त्याग का पताका, त्याग का झंडा, फ्लैग ऑफ रिनंसिएशन शुड बी कैरिड बाय दी लिविंग सन्यासीज, जो त्याग का जीवन अपनाएंगे दिखाई पड़ेगा। और सन्यासी को रक्षणाभिक्षण करने के लिए, भरण पोषण के लिए गृहीगण रहेंगे, क्योंकि उनके जीवन में भी त्याग का आदर्श जीवित देखना ही पड़ेगा, देखना चाहिए। सो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द त्यागीज, गृहीगण का जरूरत है। वैसे ही गृहीगण का दिशा निर्देश देने के लिए उनके भगवत जीवन में अनुप्राणित करने के लिए त्यागीगण का भी जरूरत है। सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के परिपूरक, और दोनों के बीच आदर्श गृही एवं आदर्श सन्यास रूप से स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण विराजमान। लेकिन नरेंद्र का नाथ दे के लिए जो विशेष वार्ता, वही आज का आलोच्य विषय है। ठाकुर कह रहे हैं सावधान रहना चाहिए, साधु सावधान। नाना प्रकार के उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। पहले कहते हैं कौवे से काटा हुआ आम देव सेवा में चलता नहीं, और खुद खाने के लिए भी संदेह होता है। फिर कहते हैं यहाँ पर जो कामिनी कांचन त्यागी भक्त है, युवा भक्त है, कामिनी कांचन स्पर्श करे नहीं, और जो व्यक्ति कामिनी कांचन के साथ दीर्घकाल है उनके भीतर कामिनी कांचन का छाप रह जाता है, दाग रह जाता है, वो तो कटा हुआ है। फिर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि नया बर्तन में दही जम जाता है, लेकिन दही का हंडी से अगर पुनः दूध रख दिया जाता है दही बनाने के लिए, नष्ट होने का संभावना है। प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहे हैं। तो उनका सावधान वाणी कहते हैं नरेंद्रनाथ को, गिरीश आदि भक्तगण का दूसरा श्रेणी है, दे फॉर्म ए डिफरेंट क्लास। इन लोग के पास योग भी है, भोग भी है,
they want sensual pleasures and also divine bliss. दोनों चाहिए, ये permissible है उनके लिए, लेकिन इनके लिए नहीं। ये लक्षणीय बात है। वी cannot imitate each other. तो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे रावण वो देव कन्या नाग कन्या की भी चाहिए और राम को भी लाभ करने चाहते हैं, राम को भी लाभ करने की आशा है और इन लोग को भी इनको चाहिए। फिर असुरगण वो भोग करने चाहते हैं, भोग का जीवन नहीं छोड़ने चाहते हैं, फिर नारायण को भी चाहते हैं एवं नारायण को मिलता है, उन लोग को दोनों ही मिलता है, असुरगण को मिलता है, वो दूसरा श्रेणी का है। ये सुनकर नरेंद्रनाथ समझ लिया उनको ठाकुर क्या बोल रहे हैं। ही इज वेरी आर्गुमेंटेटिव, जब तक उनका मन में साफ नहीं होगा वो तो मानने वाला नहीं है। इट्स गुड फॉर अस, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया, प्रश्न करना चाहिए, यू हैव टू क्वेश्चन। नरेंद्रनाथ कह रहे हैं कि गिरीश घोष पूर्व का संग छोड़ दिया, पहले उनका जो जीवन था वो जीवन बदल लिया। मास्टर महर्षि भी पहले उल्लेख कर दिया, गिरीश घोष वर्तमान में ठाकुर को चिंतन ही करते हैं, ठाकुर का बात ही कहते हैं, भरपूर है। तो नरेंद्रनाथ उसे रिपीट किया, नाउ इज लाइफ हैज चेंज्ड। लेकिन ठाकुर उनको फिर सावधान कर रहे हैं कि इसे पैसिवली परोक्ष रूप से किसे सावधान कर रहे हैं, कहते हैं कि एक बूढ़ा बैल को बधिया बना गया था, बूढ़ो बयसे दामड़ा हो चिलो, ए बुल वाज कैस्ट्रेटेड इन ओल्ड एज। मैं वर्धमान में देखा, उदाहरण दे रहे हैं, देखा कि एक बधिया गाय के साथ घूम रहे हैं। मैं आश्चर्य हो गया, मैं गढ़वान को पूछा ये कैसा है, तो गढ़वान ने बताया कि महाशय बूढ़ा होने के बाद इसको बधिया बना गया था, इनका पूर्व संस्कार गया नहीं, यही है खुद सेंट्रल बात। दोज हु हैव बीन एंगेज्ड इन द लाइफ ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स, उनका टेंडेंसीज रह जाता है, संस्कार रह जाता है। और भी उदाहरण देके समझा रहे हैं कि कितने उनका प्रयास का सीमा नहीं है, क्योंकि नरेंद्रनाथ को रक्षा करना पड़ेगा, वो अपना वाणी का बाहक होंगे, प्रचारक होंगे। कहते हैं एक जगह में अनेक सन्यासी ध्यान कर रहे थे, इसके बीच वहाँ से एक औरत आके चले गए, सब ध्यान कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक सन्यासी तिरछापन से होके औरत को देख लिया। ठाकुर कहते हैं
ये तीन संतान के बाप होने के बाद वो संन्यास लिया था, संस्कार ज्ञानी। इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए। और भी दो कारण ठाकुर बता रहे हैं, वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट्स बता रहे हैं। कहते हैं संसारियों को अवसर कहाँ है, वेरी प्रैक्टिकल बात है। अभी एक उदाहरण दे रहे हैं, कहते एक व्यक्ति का एक भागवती पंडित का प्रयोजन था, भागवत सुनेंगे। तो किसी को कहा, देखो भाई कहाँ पर ये भागवती पंडित मिलता है, तुम मुझे बताओ। उन्होंने कहा, मेरे जानकारी में एक बहुत अच्छा भागवती पंडित है, लेकिन एक अड़चन है, एक तो असुविधा आज क्या है, उनका खुद अपना खेती देखभाल करना पड़ता है, चार हल चलाना पड़ता है, आठ बलद है, और इतने चाशबाज देखते हुए उनके पास कोई अवसर नहीं है, लेकिन भागवती पंडित है। तो व्यक्ति कहते हैं, जिनको भागवत सुनाने के लिए अवसर नहीं है, भागवत प्रसंग करने के लिए समय नहीं है, हमारे इसे हल बेल वाला भागवत पंडित का जरूरत नहीं है, हमें ऐसी भागवत पंडित, भगवती पंडित चाहिए जो हमको भागवत सुना सकते हैं। एक तो संसारी को अवसर नहीं रहता है, दूसरा एक उदाहरण दे रहे हैं, कि एक व्यक्ति, एक राजा भक्त थे, भागवत सुनने के लिए चाहा, तो एक पंडित को बुलाया, पंडित निष्ठा सहकर उनको प्रतिदिन भागवत सुनाते थे, इनके पास समय है। और पंडित गृही है तब भी भागवत में पारदर्शी है, समय भी है, सुनाते थे। और उनके भागवत सुनाने के उपरांत प्रत्यो राजा को पूछते थे, राजा बुझे चो, समझ लिया। वो राजा कहते थे, पहले आप समझ लीजिए। ये बड़ा अजीब सा उत्तर है, प्रतिप्रश्न कर रहे हैं, लेकिन राजा वो उनको बोलते थे, वो नाराज होके चले जाते थे, हताश होके चले जाते, अरे मैं समझाने के लिए आया, पूछ रहा हूँ, कहते पलटा, हम अगर नहीं समझे तो हम कैसे पढ़ा रहे। तो बारंबार ऐसे होने के उपरांत उन्होंने सोचा, राजा क्यों बोल रहे हैं, ठाकुर कहते उनका उन्हार साधन भजन छिलो, ये जरूरत है। तो फिर उनका साधन भजन बढ़ाया, ये बात समझने के लिए। तब उनको समझ में आया कि भागवत का सेंट्रल मैसेज ही है त्याग, यथा ब्रजो गोपी का नाम, भगवान के लिए अपना शरीर बोध भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, एकमात्र भगवान ही है। जब वो समझा तब वो संसार छोड़ के चले गए, और जाते वक्त राजा को एक
छोटा से चिटकुट को पाठिए छे, छोटा से कागज में लिख दिया, राजा अभी मैं समझ लिया, यही बार बुझी छी। अर्थात शास्त्र का वाणी जीवन में उतारना चाहिए, ये आचार्य जी का संज्ञा है। हमारे परंपरा में जो गुरु होंगे उसको आचार्य कहलाता है, आचरयति इति आचार्यः, जो शास्त्र का वाणी आप बोल रहे हैं आपका जीवन में उसको दिखाई पड़ना चाहिए। जैसे कि सुबोधानंद जी पहले ही बता दिया ठाकुर को, आप जिनको पास भेज रहे हो मास्टर मशाय के पास, अगर आपके पास समझ लेते एरकम एलो मिलो जीवन जापन करते ना, लेकिन ठाकुर ने बताया उनके बात नहीं भूलेंगे, वो यहाँ का ही बात तुमको सुनाए, रिप्रोड्यूस करेंगे, और मास्टर मशाय वही करते थे। ठाकुर के वाणी शास्त्र के साथ मिला के ठाकुर का ही बात परिवेशन करते थे, ठाकुर के भाव में सबको आपलूत कर देते थे। तो ये नरेंद्रनाथ को आचार्य बनना पड़ेगा, उनके जीवन में त्याग का आचरण दिखाई पड़ना चाहिए, इसलिए इतना सावधानता अवलंबन कर रहे हैं। एवं नरेंद्रनाथ को उपलक्ष करके सभी त्यागी संतान को संदेश दे रहे हैं कि गृहगण के प्रति पूर्ण सम्मान एवं श्रद्धा रखते हुए उनसे दूर रहना, लेकिन उनको घृणा नहीं करना। हरि महाराज स्वामी तुरियानंद जी त्याग का मूर्ति थे, बचपन में जैसे ही शास्त्र पढ़ा त्याग के बाद सुना, स्त्री लोग से दूर रहते थे एवं अश्रद्धा करते थे, हे मानते थे। ठाकुर ने लक्ष्य कर लिया, उन्होंने बताया देखो इन लोग भगवती का अंश है, तो असम्मान नहीं करना चाहिए, दूर से प्रणाम करना चाहिए। ठाकुर यहाँ पर वही बात उपसंहार के रूप में कह रहे हैं, संसारी के प्रति उनके मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं, ताकि भक्तगण त्यागी संतानगण भी वो मनोभाव अपना सकें। हमें कि यदि घृणा करी, क्या मैं इन लोग को घृणा करता हूँ? नहीं, मैं देख रहा हूँ तिनी सब हुए छेन, ही हैज बिकम एवरीथिंग, दिस इज द होलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ। सबके भीतर वही एक ही ब्रह्म विराजमान है, इसलिए स्पेसिफिकली बोल रहे हैं एक वेश्या एवं सती लक्ष्मी दोनों के भीतर मैं कोई फर्क नहीं देखता हूँ। होलिस्टिक व्यू, मैं देख नहीं रहा हूँ कोई फर्क नहीं है। तो अपना दृष्टि बदलना चाहिए। ठाकुर यहाँ पर कोई संसारियों को नहीं कोसा, ये सावधानता त्यागी संतानों के लिए है, उनके दृष्टि बदलना पड़ेगा, सबको ब्रह्म रूप से देखना पड़ेगा।
जो कि सब भक्त का होना चाहिए, जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, सब जगह में वही भगवान को दर्शन होना चाहिए। जो राम दशरथ का बेटा वही राम घट घट में लेटा, बहु रूप में हमारे सामने विराजमान है, कोई असन्मान और अश्रद्धा का पात्र नहीं है। अगर किसी के प्रति असन्मान और अश्रद्धा हो जाए तो अश्रद्धा हमारे मन को कलुषित कर देगा, वी विल पॉल्यूट अवर माइंड बाय आवर पॉल्यूटेड व्यू। हमारा व्यू साफ होना चाहिए, पवित्र दृष्टि साफ होना चाहिए, दर्शन साफ होना चाहिए, मनोभाव साफ होना चाहिए। लेकिन सामाजिक एवं मानसिक दूरी रखना चाहिए, यही है मैसेज। इसका आगे ठाकुर कहते हैं कि भगवान लाभ करने के लिए आधार का पवित्रता का जरूरत होता है। इस प्रसंग हम परवर्ती दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। शनिवार का अवसर पर संध्या रीति के बाद काली कीर्तन का बंदोबस्त है, लिपि दिया जाएगा, आप लोग काली कीर्तन में अंश लेने के लिए YouTube पर स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।